दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे कंप्यूटर फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। यहाँ पे कंप्यूटर्स का रोल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे 1940 से लेके आज की डेट में यानी 2090 तक कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पे कंप्यूटर्स की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यहाँ पे रिसर्च करने के लिए कैसे कैसे ईजी ऑप्शन अवेलेबल हुए हैं और सिर्फ बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में मैं आपके साथ आज की वीडियो में बात करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली बात यह आती कि यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना कब से स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे 1940 के बीच में यहाँ पे जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो स्पेशली मिलिट्री पर्पज़ के लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते थे और दूसरा पर्पज़ था यहाँ पे अकाउंटिंग पर्पज़ के लिए, यानी जो अकाउंट्स वगैरह सीए वगैरह ये लोग होते इन सारे लोग यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज़ करते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को ऐसा पता चला कि कंप्यूटर्स के साथ बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर होता है किसी भी कंपाउंड का, कौन से भी ड्रग का जो आप स्ट्रक्चर देखते हो या फिर कौन से भी स्ट्रक्चर का ड्रग जब बनता है तो उसके बाद जो उसके एक्शंस होते हैं, उसके जो मॉलिक्यूलर बाइंडिंग होता है, उसके जो बाइंडिंग पैटर्न्स होते हैं, वो सारी जो चीज़ें होती थी 1940 से पहले वो प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे एक कंपनी ने अपने पर रिसर्चेस लेना स्टार्ट हुआ। यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है दोस्तों ईली ली फार्मास्यूटिकल कंपनी का, जो कि सबसे पुरानी फार्मास्यूटिकल फर्म मानी जाती है और सबसे बड़ी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है ईली ली फार्मास्यूटिकल। अपने नाम अगर आप अभी तक नहीं सुना है तो आप सिर्फ गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं। कंपनी बहुत पुरानी और बहुत इसके रिसर्च इसके जो काम है बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि उसके ईली ली कंपनी ने जब रिसर्चर्स लाना स्टार्ट किया या फिर अपना कदम धीरे धीरे यहाँ पे रिसर्च फील्ड में लाना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद 20-30 साल बाद यहाँ पे बाकी जो कंपनीज थी जैसे कि GSK वगैरह ये सारी कंपनीज भी यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में लाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता था कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट करना, लेकिन उसके साथ यहाँ पे 1940 के बाद एक जो चीज़ थी वो चेंज हो गया और ये चीज़ थी दोस्तों फॉर्मिल रनर्स और जिसे हम प्रिकर्सर बोलते हैं, और ये दूसरी चीज़ थी दोस्तों QSAR यानी यहाँ पे क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। ये जो चीज़ें थी ये भी कंप्यूटर की मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर की मदद से इन चीज़ों को भी हम काम कर सकते हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें लोगों को पता चली। इस वजह से इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में ड्रग डेवलपमेंट, यहाँ पे ड्रग रिसर्च, ड्रग डिस्कवरी, ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आसान होने लगी। यहाँ पे अगली बात ये आती है, एक्चुअली मैं लैपटॉप के ऊपर देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डेटा मेरे पास है। यहाँ पे अगली बात आती है दोस्तों 1940 के बाद IBM 650 के बारे में। ये जो IBM 650 थी इसके बहुत सारे वर्जन्स बाद में आए थे। ईली ली जो कंपनी थी इन्होंने यहाँ पे लिलीज रिसर्च स्ट्रेटजिस्ट जो थे इन्होंने यहाँ पे IBM 650 का यूज़ करना सबसे पहले स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद 1968 में भी बहुत सारे रिसर्चेस आना स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे अगली बात ये आती थी कि अनदर पुल ऑफ केमिस्ट एजुकेटेड यूजिंग कंप्यूटर्स वेयर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर्स, यानी पहले के जमाने में जितने भी सारे कंप्यूटर्स का यूज करने वाले लोग थे वो एकेडमिक्स में हुआ करते थे। इंडस्ट्री में यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज आना ये बहुत यहाँ पे बड़ी हम बोल सकते हैं बड़ी बात थी, यानी कंप्यूटर्स का यूज़ यहाँ पे इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करना मतलब कोई जानता भी नहीं था। यानी उसके बाद क्या हुआ कि लिली के रिसर्च इंस्टीट्यूट जो थे उन्हें धीरे धीरे एकेडमिक्स के जो लोग थे उन्हें यहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के रिसर्चर्स में इन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे एकेडमिक्स के लोग धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गए। बहुत सारी कंपनीज ने इसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, एकेडमिक्स के लोगों को यहाँ पे हायर करना स्टार्ट कर दिया। अगली बात यह आती है दोस्तों यहाँ पे अदर कंपनीज़ की, यहाँ पे अगर मैं ईली ली कंपनी के बाद किसी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी कंपनी का नाम लेना चाहो जिसने यहाँ पे कंप्यूटर्स का यूज करना स्टार्ट किया था, तो इसका नाम है दोस्तों मर्क और स्मिथक्लाइन, जिसके हम मैं आपको जीएस के नाम बोल रहा था पहले भी, और यहाँ पे फ्रेंच की एक ओल्ड कंपनी भी थी जिसने यहाँ पे इसमें पार्ट लिया था। उसके बाद बहुत सारी कंपनी ने यहाँ पे पार्ट तो लिया, लेकिन IBM 360 और IBM 370 ये जो नए सॉफ्टवेयर से या फिर जो नए मॉडल्स है ये भी मार्केट में आना स्टार्ट हुए थे। अगर मैं कंप्यूटर्स की बात करूँ तो 1980 ये फ्रूट पीरियड माना जाता है कंप्यूटर्स का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आने का। इस वक्त में इस 20 सालों में बहुत सारे कंप्यूटर्स का यूज़ यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आना स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे अगली बात ये आती है दोस्तों 1980 ये बात तो हो गई, यहाँ पे अगली बात ये आती है कि उसके बाद उसका यूज़ होना तो स्टार्ट हुआ लेकिन उसके बाद रिसर्च के लिए कैसे हेल्प हुआ। अब देखो यहाँ पे रिसर्च के लिए हेल्प सिंपल सी बात है, QSAR जो टेक्निक्स होती है इस वजह से यहाँ पे केमिकल कंपाउंड्स को स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स देखना या फिर उनके स्ट्रक्चर को देखना, प्रेडिक्ट करना, उनके बाइंडिंग पैटर्न्स को देखना, ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई। और ये जो सॉफ्टवेयर से मैं आपको बता रहा हूँ IBM 360 IBM 370
ये एक्चुअली यूएसए के बहुत बड़े कंपनीज आईबीएम, जिसे हम अभी आईबीएम आज के डेट में भी बहुत बड़ी कंपनी है, इसने ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स पहले के ज़माने में बनाए थे जो कि अभी भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उसके जो हम बोल सकते हैं यूनिट्स या फिर उसके जो वर्जन आज के डेट में बहुत आगे जा चुके हैं। यहाँ पे अगली बात मैं और एक मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे एप्पल कंपनी के बारे में, जो आप सब लोग यहाँ पे एप्पल का आईफोन आज के डेट में आज के ज़माने में जानते हैं, एप्पल मैसेंजटोइस नाम का एक सॉफ्टवेयर था जिसने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ यहाँ पे लॉस्ट किया था अपना लॉस रूट। यहाँ पे क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना एक सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसके साथ उसका पेटेंट, उसका कॉपीराइट भी बनाती है। तो यहाँ पे 1994 में केस हुई थी जहाँ पे एप्पल ने भी यहाँ पे इस इंडस्ट्री में आने का ट्राई किया था, लेकिन विंडोज़ के साथ उसका जो लॉस रूट था वो यहाँ पे हार गया था। यानी उसने ऐसा बोला, माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा क्लेम किया था कि अपना जो डाटा बेस है, सेम डाटा बेस यहाँ पे एप्पल कंपनी में यूज़ किया, तो इस वजह से यहाँ पे एप्पल को इसका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ था। और ये बात ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली कैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्यूटर्स का यूज़ करने के लिए स्टार्ट हो चुकी थी। आज के ज़माने में आज जितने भी सारे आप कंप्यूटर्स देखते हैं, सुपर कंप्यूटर्स देखते हैं, हालांकि टेक्निक जो आज के डेट में बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उनका जो बेसिक्स है वो 1940 से लेके आज के ज़माने 2090 तक है, और एक बहुत बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया और अगर आपको लग रहा है चैनल में अच्छा सा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।